हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन प्लांट्स चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी और ये कहाँ से आई और इसका इन्वेंशन किसने किया। यह पैथी इटली की देन है डॉक्टर काउंट सिजरमेटी के द्वारा, जब उन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथी, स्पेशली आयुर्वेदा, यूनानी के साइड इफ़ेक्ट्स को देखा तब इसका इन्वेंशन किया और कहा यह एक आखिरी ऐसा सिस्टम होगा, मेडिकल सिस्टम, इसके बाद किसी भी सिस्टम को बनाने की जरूरत नहीं होगी और मेडिसिन इससे ऊपर होगी भी नहीं क्योंकि इसका मिरेकल इफेक्ट होगा। जैसे रूमेटिज्म में इन्होंने बनाया अभी पेटेंट रूमेक्स, पहले तो ग्रुप कंपोजिशन होता था उसी में से देते थे और मिरेकल इफेक्ट होता था, लेकिन अब टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज लाना पड़ता है साइंस में, तो रूमेक्स पेटेंट निकाला है रूमेटिज्म अर्थराइटिस के लिए और हाई ई हाइपरटेंशन के लिए निकालना है ताकि सीधा इसको पानी में डाल के ले। साथ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग मेडिसिन दी जाती है, जैसे अर्थराइटिस की रूमैक्स है, बीपी डाउन है तो उसके लिए अलग है, ये हाइपरटेंशन में तो बीपी ज़्यादा तब उसके लिए है। अगर आपको जॉइंट्स में पेन रहता है, कहीं भी आपका मस्कुलर पेन है या फिर सिर में दर्द है तो ये पेन ऑयल आप उसको अप्लाई करें तो आपको रिलीफ मिलता है, चाहे कहीं भी है बॉडी में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काफ़ी सारे ग्रुप रहते हैं, ग्रुप में प्लांट्स कंपोजिशन रहती हैं जो मैंने अपनी वीडियो में डाली हैं, जैसे एस ग्रुप है, सी ग्रुप है, सी ग्रुप मेनली जो काम करता है कैंसर के लिए, एस ग्रुप है जो हमारा काम करता है म्यूकस के ऊपर। तो हर डिजीज़ में कौन से ग्रुप को देना चाहिए वो हमारे आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पर जब उन्होंने देखा एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि उनके लीवर, स्प्लीन, लंग्स, किडनी पे डैमेजिंग का असर हो रहा है, मतलब डैमेज हो रहे हैं, तब उन्होंने एक नए सिस्टम को बनाया जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। बहुत सारे सेंटर होते हैं, जैसे जूहार में मेडिकल कॉलेज हैं, NEHM सेंटर उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान है जो बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल के अंदर ही सिन्हा अनुसंधान सेंटर ने कैंसर के लिए गैंग्लियन फोर्टे कैसमिरिकल वर्ल्ड की सबसे नंबर वन मेडिसिन का इन्वेंशन किया है ताकि लोगों को सस्ती, अच्छी और बिना साइड इफ़ेक्ट के मेडिसिन मिल सके। लेकिन साथ में उसको ये एक जरूर मैटर रहता है कि भी आप अपना डाइट बैलेंस करें, अपनी लाइफ को हेल्दी रखें, योगा करें और फ्राइड चीज़ें ना खाएं। हाइपरटेंशन में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सुबह उठते चक्कर आते तो आप पानी में नींबू डाल के पीजिए तो आपका चक्कर और ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम कम हो जाएगा। बाय नेचर, बाय डाइट के द्वारा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, फिर भी नहीं होता है तो मेडिसिन लें, लेकिन विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी लें, आप किसी भी पैथी के लिए, पर आपको साइड इफ़ेक्ट ना मिले। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेडिसिन का, आप बच्चे को भी दे सकते हैं, बूढ़े को भी दे सकते हैं, किसी भी वीक पर्सन को भी दे सकते हैं। इसका इम्यूनिटी डोज भी आता है, काफ़ी सारे सिंड्रोम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी सारे इन्वेंशन हुई हैं आजकल। तो सबसे पहले कि भी आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, खुश रहें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, घर से बाहर निकलें, वॉक करें, योगा करें और अपनी लाइफ को हेल्दी रखें और ऐसी मेडिसिन लें जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं अभी किस डिज़ीज़ की कौन सी मेडिसिन चाहिए, मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। थैंक यू सो